नागौर की पादुकरा पुलिस अवैध बजरी खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने रियाबड़ी क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए अवैध बजरी से भरे 6 डंपर, एक ट्रॉले समेत एस्कोर्ट कर रही बोलेरो गाड़ी भी जब्त की है और साथ ही 9 लोगों को हिरासत में लिया। पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज करते हुए खनन विभाग को भी इस पूरे मामले के बारे में सूचित कर दिया है। पादुकला से मिली सूचना पर पुलिस थाना पादुकला पहुंचा। वहां राष्ट्र ने गश्त के दौरान पुलिस थाना पादुकला द्वारा 7 व्हीकल खनिज बजरी से भरे हुए जब्त किए गए थे, जिनको माइनिंग एक्ट में वापस से जब्त किया गया तथा नियमानुसार कार्रवाई जारी है। सभी वाहनों से कंपाउंड प्लस जुर्माना राशि वसूल की जाएगी तथा भविष्य में भी आगे की कार्रवाई जारी रहेगी। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV न्यूज, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।